इतने दिनों से हमारी लाइफ लाइट की स्पीड से चल रही थी, पर अचानक से होल्ट आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि घर में बैठ के करे तो करे क्या, आखिर अमेजोन और नेटफ्लिक्स देखकर टाइम पास कब तक होगी। डोंट वरी, मेरे पास आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एक नहीं बल्कि बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। नंबर वन, ब्रिंग योर पैशन बैक टू लाइफ। अगर आप अपने रूम का एक क्विक स्कैन करो तो आप पाओगे कि वहाँ पर बहुत सारी पुरानी ऐसी चीज़ खरीदी है जो कि आपने जोर जोर से खरीद तो ली पर उसका यूज़ कभी नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी दीवार पर वो 6 साल पुरानी टंगी गिटार, वो कीबोर्ड जिसकी कीज़ अब वाइट से येलो हो चुकी है पर आपने अब तक उसे इस्तेमाल नहीं किया। सेम वैसे ही वो ब्रांड न्यू DSLR जो कि अब ब्रांड न्यू से एंशियंट हो गया है। घर पर हो तो इन्हें यूज़ करना सीखो, क्योंकि ये प्रो बनने का एक बहुत अच्छा मौका है। नंबर टू, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। कहीं आपके रूम की हालत ऐसी तो नहीं कि वहाँ पर थोड़ी देर पहले भूकंप आया हो? इफ़ यस, देन डू समथिंग अबाउट इट। ऑर्गेनाइज योर स्पेस, क्लोथ्स, डेस्क, बिकॉज जब आप क्लीन एनवायरनमेंट में होते हो तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव फील करते हो। आपके घर में बहुत सारी पुरानी किताबें होंगी जिन्हें आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये वो टाइम है जब आप उन्हें लेकर बैठ सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो, हो सकता है कुछ नया सीखने को मिल जाए। इसके अलावा एक बार इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप देखना तो बनता है। आई एम श्योर कि हमारे जैसे कितने हैं जिन्हें अब तक ये नहीं पता कि हमारे देश में कितने स्टेट्स एंड कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर आपको पता है तो अभी बिना गूगल देखे कॉमेंट में जाकर बताइए। अपने लिए डेली एक्टिविटी प्लान आउट करो, अपने लिए डेली, वीकली एंड मंथली टास्क अलॉट करो। नंबर फोर, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप मूवीज, वेब सीरीज, टीवी सीरीज तो देख ही रहे हो, पर इसके साथ साथ आप डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हो। इंटरनेट पर बहुत सारे ऑनलाइन इंस्पायरिंग पॉडकास्ट भी हैं, उन्हें जाकर देखो, इंजॉय करो उसे, हो सकता है उसे बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। अगर उससे भी मन ना भरे तो आपने न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड पजल नाम का चीज़ तो देखा ही होगा, उसे सॉल्व करो। एंड इसके साथ साथ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप कुछ ब्रेन गेम खेल सकते हो, बोर्ड गेम खेल सकते हो। नंबर फाइव, लर्न समथिंग न्यू। ये समय है जब आप अपने अंदर छिपे कलाकार को बाहर निकाल सकते हो जो कि कई सालों से लॉकडाउन में घिरा हुआ है। इस समय आप बहुत तरह तरह की चीज़ें सीख सकते हो, जैसे कि एनिमेशन, आप एनिमेशन बनाना सीख सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड कैलीग्राफी एक्सेट्रा। नाउडेज ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि अब इन सब के कोर्सेज फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं। इसके साथ साथ YouTube पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, जिसकी मदद से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। अगर आप इन्हें मूवी और वेब सीरीज़ की तरह इन्जॉय करो तो मेरा यकीन मानो आप लॉकडाउन ख़त्म होते होते तक आप एक मास्टर बन सकते हो इस फील्ड में, और आप ये किसी दूसरे को सिखा भी सकते हो। बस इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आप डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। आई होप कि अब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें करने के लिए लॉकडाउन भी कम पड़ने वाला है। एंड इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद मुझे लगता है कि अब आपके पास दिया जलाने और थाली पीटने के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे काम हैं जो कि आप घर पे बैठ के कर सकते हो। एंड मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरा कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा।